हेलो, हैप्पी फादर्स डे सर। हेलो, सल्यूट सर। भाई ये पता नहीं कैसे हैं यूपी वाले, इनको हॉर्न मार रहा हूँ, चढ़ाई मार रहा हूँ मैं, और उसके बाद फिर यहाँ आके मुंह में अटका रहा है गाड़ी। तो मतलब ऐसा हुआ करता तो ये पुल नहीं था ना, वहीं से जाना पड़ता था, तो इतने सारे हादसे होते थे ना उस समय। अब तो बन गया कर, ग्लेशियर के पानी में नहाया जा रहा है बढ़िया करके। It's time for breakfast. Hello Eddie. Hello. कैसे हो? बढ़िया। ब्रेकफास्ट करेंगे और आज अपना लास्ट दिन है। हम यहाँ से सीधे निकल रहे हैं, झाड़ चुड़क ले अपने घर, पैकिंग वैकिंग और गाड़ी में लोड भी सब कुछ कर दिया सामान। अंदर से देखो कितना प्यारा लगता है सुबह के टाइम पे, और बढ़िया। फटाफट ब्रेकफास्ट आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर सारी चीज़ें बता देंगे हम कहाँ रुके, क्या है सारी चीज़ें, ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आगे फिर से नए व्लॉग के साथ। बहुत दिनों से अपना यार डायलॉग नहीं बोला यार, मैंने तो भूल ही गया था मैं बिल्कुल। पहले पीछे वाले जरा से हेलो हेलो, ठीक है। सब लोग पैक होके बिल्कुल बैठ चुके हैं, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, ठीक है। बाकी पेमेंट वगैरह जो थी वो भी कर ली, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया। बाकी जो उनका नंबर है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उनके इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ स्क्रीन में मैं प्ले कर दूंगा। तो आप लोग को अगर आना है धारमा तो आप लोग यहाँ रुको, और यही रुकना आप लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। और बहुत वह है कि आपने वो नहीं करा होगा, ऐसा सोचा नहीं होगा कि यहाँ ऐसा हो सकता है, बट अब है तो मज़ा आएगा आप लोग को भी। बाकी तो वादियाँ दिखाते हैं थोड़ी आपको, क्योंकि आज हम जा रहे धारचूला वापस। दिखाओ जरा अदनान भाई। अभी जरा यहाँ रुके थे फोटो वीडियो करने, और ये देखो पहाड़ियाँ आप, क्या ही प्यारी है, देखो अलग सी बिल्कुल। हेलो एडी भाई, हाय कर दो तो एक बार। तो फिलहाल थोड़ी बहुत फोटोज खींची यहाँ पे मस्त तरीके से, व्यू बहुत प्यारा आ रहा है ना, लैंडस्केप बहुत अच्छा था इसलिए देख रहे हो। तो चाहिए होता है हमें, थोड़ा लेट हो गया, हम 10:30 बज चुके हैं, अभी फटाफट निकलते, ज़्यादा कहीं रुकेंगे नहीं क्योंकि आते समय बहुत अच्छे से शूट करें। चलते अब सीधे घर। एक चीज़ देखो, सामने इतना बड़ा नाला है ना ये, और ये पानी आ कहाँ से रहा बताओ, ऊपर ग्लेशियरों से, वो उधर ग्लेशियर है वहाँ से पानी आ रहा है सारा। पहले तो मतलब ऐसा हुआ करता तो ये पुल नहीं था ना, वहीं से जाना पड़ता था, तो इतने सारे हादसे होते थे ना उस समय। अब तो बन गया कर, बहुत भयंकर पानी आता है, ये वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा होगा आप लोग को, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स में आ रहा है ये पानी। नीचे से दिखाता हूँ हल्का, गाइस एक और वाटर क्रॉसिंग। काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग है इस वाली रोड में, और कहीं कहीं पे तो गड्ढों का पता भी नहीं चलता है, और पत्थरों का थोड़ा संभल के निकालना पड़ता है। और जो अब यहाँ से नीचे का थोड़ा जो पैच है वो पैच काफ़ी ख़राब है, ऑफ रोड है, चढ़ाई में आने समय थोड़ी दिक्कत लगती होगी शायद अगर मोशन ना बनाए तो,
वैसे तो ठीक है सारा। अभी देखो एक और ये वाटर क्रॉसिंग, इसको भी क्रॉस करते बढ़िया से। होले होले अभी रे तो ये लगते हैं, ओहो ग्लेशियर के पानी में नहाया जा रहा है बढ़िया करके। यहाँ दिखा दो भाई, देख रहे हो ग्लेशियर के पानी में ठंडा हो गया नहा रहे, चल ले मजे ले रहे ठीक है। यहाँ नहाए वो क्या बोलते हैं उनसे, यहाँ तो पानी ठंडा है क्यों भाई? वहाँ भाई हमें ना धोने में पता चलता था कि कितना गर्म पानी है, धोने में और ना पिछवाड़ा धोने में पता चल जाता था, वहाँ नहाना तो छोड़ो। ये देखो क्या ही प्यारा झरना है, ये मैंने वीडियोस फोटोज में बहुत देखा है और आज रियल में देख रहा हूँ, बहुत ही प्यारा है। ऊपर तक देखो वो टॉप से आ रहा है पानी और यहाँ आते आते इतना प्यारा लगता है ना, जो आंखों से देखने में पता चलता है ना वो वीडियो कैमरे में या किसी भी चीज़ में नहीं पता चलेगा आपको, कैमरे से कर लो या कुछ कर लो नहीं। चलो चलते हैं, काफ़ी लंबा है अपना सफ़र। बहुत ही खतरनाक है ये रोड, करौली डेंजरस रोड, केयरफुली चलना पड़ता है, बहुत ही देख देख के ऊपर नीचे हर जगह। भाई ये है सबसे खतरनाक चढ़ाई दारवा वैली के अंदर, जो है दर की चढ़ाई, इससे भयंकर चढ़ाई नहीं है। अभी तो खैर बहुत ठीक है ये, वरना कभी कभी तो इतनी खतरनाक होती है कोई हद नहीं है। हम तो खैर चढ़ा लाए थे एक बारी में। चलो अभी दिखाते आगे का क्या है सीन, क्योंकि इसके बाद दोबारा चढ़ाई है ऊपर चढ़ना हमें। खतरनाक है बरसातों में तो भयंकर ही हो जाता है ये, अभी तो खैर ठीक है। अच्छी बात यह है कि गाड़ी कहीं लगाई नहीं मैंने नीचे, बस अच्छी बात है। अभी देखो कितना लंबा पैच है वो देखो, पहले तो कितना आगे तक है ऐसे ही पूरा। ये सबसे ज़्यादा मतलब मैं जिस दिन लेके भी आ रहा था गाड़ी, मेरे सारे दोस्त लोग यही कह रहे थे कि दर में देख लेना बस, ये दर का भाई बहुत रिस्क वाला है, लगते रहती है ना इसमें यहाँ गाड़ियाँ। अरे भाई नीचे से लग गए तो फिर हो गया चैम्बर का। भाई ये पता नहीं कैसे हैं यूपी वाले, इनको हॉर्न मार रहा हूँ चढ़ाई मार रहा हूँ मैं, और उसके बाद फिर यहाँ आके मुंह में अटका रहा है गाड़ी, थोड़ा दिमाग खराब कर रहे हैं। फालतू का आ जाते गाड़ी लेके चला पाते हैं नहीं है। हॉर्न तो सुनना चाहिए ना यार भाई, एक बार हॉर्न बजा रहा हूँ उतनी चढ़ाई से आ रहा हूँ मैं। कहां इसको लग रहा है मैं नीचे डालूंगा, मैं इतना गधा हूँ पीछे लेगा आप सीधे। ऊपर देखो ना ऊपर कैसा है, कितना भयंकर है नीचे सीधे नदी, गाड़ी पीछे नहीं कर पा रहा है ये। और ऊपर देखो कैसा है, और ये पता नहीं कहाँ डाल लग कर क्या रहा है ये, कितने बार बंद कर। अरे ओ भाई इसको बंद कर और उसको। देखो पता है क्या सीन है, अभी मैंने हेल्प कर दी उनकी, वो हमने शूट नहीं करा, खैर मैंने उनकी गाड़ी बैक करी अपनी गाड़ी निकाली, और वो लोग भाई इस रोडों में एसी चलाते हुए आ रहे हैं, वैसे मोशन नहीं बनना है ठीक है। और सबसे बड़ी बात है अगर आप लोग को पहाड़ों की रोड का थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो इतनी खतरनाक रोडों में मत आओ जिनका नाम आता है कि भैया डेंजरस रोड है, तो ऐसी रोडों में मत आओ ना डायरेक्टली, क्योंकि यार आपकी लाइफ का भी रिस्क है दूसरों का भी रिस्क है। और जब भी कोई देख रहे हो आपकी दूसरी गाड़ी चढ़ाई में आ रही है तो अपनी गाड़ी ऑलरेडी रोक लो जबरदस्ती, क्योंकि घुस नहीं सकती ना एक जगह में दो गाड़ियां। तो भाई मेरे को तो डर लगता है ऐसे को देख के ना कि ये लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि दर की चढ़ाई और जैन है उनके पास बहुत पुरानी, कब की मॉडल है पता नहीं, वो चढ़ेगी कैसे मैं तो वो सोच रहा था। हाँ पूरा मोशन टूटा हुआ है वो गाड़ी, घुस हो रही है, मैंने चलाई मैंने बैक करी वो। चलो कोई नहीं तेरा था, थोड़ा गुस्सा तो आ गया था मेरे को क्योंकि मेरे को लगा कोई आड़ा टेढ़ा टाइप का बंदा है, फिर वो तो उन्होंने क्या बोलते हैं प्यार से मेरे से ही वो कहा कि यार आप कर दो मेरी गाड़ी प्लीज़ पीछे करके, तो फिर हमने कर दिया। देखो सामने पूरा कॉन्वॉय आ रहा है आर्मी का,
कोई नहीं, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है रोडों में, अब क्या है। अभी तो लंच टाइम, लंच चल रहा था आपकी पहाड़ी खाना अपना, दाल चावल सब्जी। ये देख लो भैया हाथ से दबाए जा रहे हैं, यहाँ देखो इनको क्या था ये कंजूती में। अभी करते हैं लंच, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। लंच हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बहुत ही दबा के खा दिया हम लोगों ने, हालत ख़राब हो गई, गर्मी देख रहे हो, पसीना पसीना धार चला पहुँच गए समझ लो, बहुत गर्मी। वहाँ इतना मस्त हो रखा था, यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी ना। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर वहाँ डैम के वहाँ पे रुकते, ठंडी हवा खाएंगे, फिर उसके बाद घर को निकलेंगे। टाइम भी अभी खैर 1:23 हो रहा है, सही डैम पे पहुँच गए हम तो। जबकि निकले थे कितने बज रहा था जब निकले थे, 10:30 10:30 बज रहा था हम निकले थे धारमा से, और यहाँ पहुँच गए खैर 1:30 के टाइम पे। ऑल गुड, बढ़िया, मज़ा आया, मस्त ट्रिप थी, बढ़िया मज़ा भी आया, आप लोग को भी आया होगा। वैसे व्लॉग तो मैंने अपलोड धारचूला जाके करने हैं सारे, क्योंकि वहाँ नेट तो चलते नहीं, तो कल से सारे व्लॉग अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, बेसिकली हो ही चुके होंगे जब तक ये वाला व्लॉग आप लोग देख रहे होंगे। 148 पिछले 15-20 मिनट से तो हम यहीं फंसे हुए हैं, आगे काम चल रहा है, देख रहे हो लगी हुई है फॉग लाइन। व्यू हैंगर ऊपर इतना बढ़िया हो रहा था तो वहाँ ठंडा लग रहा था इतना, लेकिन ऊपर बहुत मजा आया भाई, सच में बहुत ही ज्यादा मजा आया इस बार, बहुत बढ़िया फन था, तगड़ी वाइब, बिल्कुल मस्त एकदम। आप लोग को भी जाना है तो जा सकते हो, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में है ही ऑलरेडी, वहां से आप लोग देख लेना और जाइएगा, एंजॉय करिएगा मस्त मजे में एकदम। अरे बीच वाली जो हमारी मेंबर, जरा इधर कोने में आओ तो अपनी शक्ल दिखाओ तो, ये ऐसे आती है, इनको बुलाना पड़ता है ऐसे, अरे मुंह छुपा लिया है, अब नहीं दूंगा फोन, फोटो भी नहीं देखने दूंगा, सारी फोटोज डिलीट कर दूंगा इसकी मैं, खा खा माँ कसम, सारी फोटो डिलीट कर दूंगा माँ कसम। क्लाइंट काम कर रही है आगे, वो ऊपर पूरा कटिंग का काम चला ना, ऊपर से सब फेंका नीचे, अब सफाई कर रहे हैं हम, तब से बैठे हुए हैं गर्मी में। अरे इनको देखो, हाँ बुबू बुबू फुल टूटन में बेटा, धूल कितनी हो रखी है वेनी, ये देख तो धूल ही धूल, पता नहीं कितनी देर में करेगा, हालत खराब हो गई गर्मी से। एवरीबॉडी, तो हम पहुंच चुके हैं डीसीएल व्यू पॉइंट टीवी टावर, नीचे गड्ढा है ना उधर, इधर दबा के मेरे तो छोटी है। ये देखो बाइक ड्राइविंग बहुत भयंकर हो रहा है यहाँ पर, आर्मी वाले की बस फंस चुकी है फुल रोल के साथ, बताते हुए लोग बाग, और ये दर्शक थे हमारे भाई। ये पता नहीं क्या है यार, ये कौन सी कंपनी है, हिलवेज वालों का पता नहीं क्या ही तमाशा है यार, हर समय कटिंग कटिंग कटिंग, दिमाग की दही कर रखी है बिल्कुल। वो ट्रक फंस गया, इतने एक घंटे से हम जाम में फंसे हुए, धूल देखो बाप, पानी का छिड़काव भी निकल रहा है, ज्यादा धूल है, कोई हद नहीं इसकी। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम धारचूला, ये धारचूला का व्यू, हमारी फुलन देवी को दिखाओ पीछे, फुलन देवी हेलो, हैप्पी फादर्स डे सर, हेलो सल्यूट सर, पापा का केक यहाँ पे रखा है, हम सरप्राइज देना चाहते थे लेकिन वो सरप्राइज हो नहीं पाया प्रॉपर तरीके से, बट कोई नहीं, इसके बीच में कुछ है क्या, एक और सरप्राइज हो सकता है क्या पापा, मजाक कर रहा है यार, आओ काटो केक, चलो काटो काटो, हैप्पी फादर्स डे पापा, थैंक यू अंजिला नोमान गजल, चलिए पहले खुद ही खाओ आज, मैंने खाना है तो आज फादर्स डे है ना, शुगर फ्री नहीं है, पूरा मत खाना, पूरा मत खाना का, शुगर आधा खाया बोल, क्रीम सब खा गई मम्मी को, वो खिला दिया उन्होंने, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, टेस्टी बनाया होगा, चलो हमारे लिए भी खिलाओ, हम लोग थोड़ा सरप्राइज देना चाहते थे बट वो इधर से उधर हो गया प्लान, इसलिए प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया, हम सोच रहे थे कहीं वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने वाले थे बट वो नहीं हो पाया,
ये है मेरी सरप्राइज तो ये है ये हां सरप्राइज ला बे लो ज्यादा मत खिलाना मजा नहीं आया ड्राई है अंदर से अभी रुको पकड़ दो ऐसे कमरे में हाथ मत लगाना अपनी बंदूक आ चुकी वापस देख लो थाने में जमा हुई थी इलेक्शन के टाइम पे पापा के नाम पे ये नदीम पर पापा कितने साल पुरानी हो गई है लगभग दादा की 75 साल दादा को हो गए ये जब हमने दिखाई थी ना जिनको तो उन्होंने कहा था ब्रिटिश मेड है ये अभी दादा को 75 साल हो गए दादा के पापा की है दादा के पापा के तो मतलब 100-200 साल नहीं तो क्यों नहीं होंगे यार 75 के दादा थे 50 100 साल मान के चलो 60 साल बेटा 60 ईयर्स पुरानी डबल बैरल बंदूक है ये और ये ब्रिटिश मेड है सबसे बड़ी बात हुआ जब हम ये दिखाने मतलब थोड़ा रिपेयर कराने गए थे ना तो उन्होंने कहा भी था कि ये गन अब मिलती नहीं है कहीं भी बट अभी मैं उसको जब मेरा बढ़िया सा कहीं मूड होगा ऑकेशनल मूड तो बेटा क्यों तब दो पैक व्लॉग बन रहा है पापा मैं नहीं बोल रहा इसको मेरे मुंह ही तक मैं तो डाल भी दूंगा सर ये भी इतना प्यार कैसे कर रही है तू मेरी लड़की